तो चलो प्यारे बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं ऑप्टिक्स में और देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहे हैं कि YDSC एक्सपेरिमेंट, आई होप कि आपका सॉरी YDSC एक्सपेरिमेंट आपके फैकल्टी ने पढ़ाया होगा, द पोजीशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, हर साल जेई मेंस और एडवांस में एक क्वेश्चन फिक्स है इससे भाई। द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा इज द पोजीशन ऑफ फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज, फिफ्थ ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट जो है, डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट 1 मीटर है, एंड द वेव लेंथ ऑफ लाइट जो लैम्डा यूज हो रही है मोनोक्रोमेटिक वो 600 नैनोमीटर है मोनोक्रोमेटिक। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, अब देखो YDSC का जो अपना एक्सपेरिमेंट है उस एक्सपेरिमेंट को अगर 2D इस प्लेन में मैं बनाऊँ 2D फॉर्म में, तो ये अपना स्क्रीन होता है, ये जो होती है वो स्क्रीन होती है, और ये जो होती है वो डी होती है, और ये जो होता है स्मॉल डी होता है, तो ये स्मॉल डी होता है। सेपरेशन बिटवीन द स्लिट, ये S1 है और ये स्लिट S2 है। तो यहाँ से हम देखो कि तो जो लाइट जा रही है, यहाँ से जो लाइट जा रही है वो लाइट रे कहीं पे फोकस हो रही है यहाँ पे, और ये बन रहा है, दिस इज़ द लाइट बीम फोकस एट दिस पॉइंट, और यहाँ से जो बीम आ रही है ये वाली, ये वही है मोनोक्रोमेटिक रेड है। तो ये जो लोकेशन है यहाँ पर फिफ्थ मैक्सिमा, ये जो है वो फिफ्थ मैक्सिमा है, और फिफ्थ मैक्सिमा का ये वाला जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का मतलब होता है 5×10⁻²⁪ मीटर है। तो डी की वैल्यू माइक्रोमीटर में हमें निकालना है। हम सबको पता है कि ये जो रे गई है यहाँ से, ये वाली रे और इस वाली रे, ठीक है ना, ये रे S1P और S2P में जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, वो हम सबको पहले से पता है भाई, d sin थीटा, ठीक है, या d tan थीटा, बराबर है, नहीं याद है तो, या dy/in general कैपिटल डी, यहाँ से परपेंडिकुलर डालो भाई, अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, तो ये डी है, तो ये वाली पाथ डिफरेंस आ जाएगी d sin थीटा या d tan थीटा, तो ये पाथ डिफरेंस है। और फॉर मैक्सिमा के लिए ये जो पाथ डिफरेंस है, देखो ये जो पाथ डिफरेंस है डेल्टा एक्स, वो आ जाएगा dy/d = e1 × λ/2, ठीक है। और अगर मिनिमा हुआ तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स dy/D (odd multiple of + λ/2). तो यहाँ से आप जनरल डिस्टेंस, आप लोकेशन, आप मैक्सिमा मिनिमा बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो मैं तो, मेरा तो काम है अच्छे से समझाना यार, क्योंकि हर टाइप का बच्चा बैठा होता है ना, तो मैं तो बेसिक बच्चे को लेके चलूँगा, आपको फार्मूला डायरेक्ट याद है, आप लगा दो, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं है। तो यहाँ से वाई की जनरल लोकेशन आ जाती है, वो आ जाती है n λ/d और ये y d के इक्वल आ जाएगी यहाँ से। तो यहाँ जो n होता है वो होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो फॉर मैक्सिमा के लिए जब इस इक्वेशन को यूज करोगे, मैक्सिमा के लिए यूज करोगे, तो यहाँ से ये वाली जो जीरो होती है n = 0 पर, वो तो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, वो जो है सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है ना, मतलब बीच में जो बनता है वो होता है n = 0। अब जो फिफ्थ यहाँ यूज होगा 1, 2, 3, 4, 5, तो फिफ्थ बोला तो n की वैल्यू डायरेक्ट फिफ्थ यूज होगी। अब देखो बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती करते हैं और चिल्लाते हैं, मिनिमा के लिए यूज करोगे तो फिफ्थ मिनिमा जो है वो 2n + 1 और ये लैम्डा d/2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से अगर फिफ्थ मिनिमा की बात करेगा, अच्छे से समझ लेना, बहुत रोते हैं बच्चे, फिफ्थ मिनिमा की बात करेगा तो n = 1, 2, 3, 4, 5th, तो ये जो n = 4 पे फिफ्थ मिनिमा बनेगा और n = 5 पे फिफ्थ मैक्सिमम बनेगा। बात आ रही समझ में, ये बात ढंग से समझ लेना, नहीं तो बहुत रोओगे, बता दे रहा हूँ, ठीक है, बहुत बच्चे परेशान होते हैं इतना दिन से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ से y = 5th मिनिमा की जो लोकेशन आ जाएगी। अब हमें क्या पूछा है मेरे भाई, देखो तो
डी पूछा है स्मॉल डी की वैल्यू, तो स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन लैमडा कैपिटल डी अपन वाई, सबकी वैल्यू कर दो, तो इसकी वैल्यू 5 रख दो, लैमडा की वैल्यू देखो 600 नैनोमीटर है, 10^-9 आ जाएगा, कैपिटल डी 1 मीटर है, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। तो 5 यहाँ से देखोगे तो 5 × और ये 10^-2, तो जब ये पूरा कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा, देखो 5 ने 5 को काट दिया और ये 10^2 ऊपर चला गया, तो 6×10^-5 मीटर आ गया, तो ये आ जाएगा 60 माइक्रोमीटर, तो 60 माइक्रोमीटर इसका फाइनल सोल्यूशन है। तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होता है, तो दैट इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, तो ये बाकी सारे गलत है। तो आई होप कि आपको मज़ा आ गया होगा, थैंक यू, बाय बाय।